का सेट है, आप अगर आप ऑनलाइन लगाना चाहते हैं सेट तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो खत्म होने के बाद दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर ऑनलाइन सेट मारेगा, तब तक देखते हैं और आगे देखते हैं और आगे और आपको बता देते हैं कि सेट चलता है, डेली चलता है सेट। आपको बताना है कि आपके दिन आपका परीक्षा कब है। स्टार्ट करते हैं। चार नंबर सवाल कहता है जीके और जीएस को देखेंगे और हिंदी को, और इस सेट में ये पहला है। चार नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विफोकल लेंस का उपयोग पीड़ित लोगों के द्वारा की जाती है, बताना है कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में, कि ऑप्शन नंबर दो दीर्घ दृष्टि दोष लेकिन निकट दृष्टि दोष नहीं, निकट दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में नहीं, दीर्घ दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष नहीं। आपको बताना है, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। कौन सा सही उत्तर होगा? द्विफोकल लेंस का उपयोग पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? चार का सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में द्विफोकलीय लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पांच नंबर सवाल कहता है, कि दीर्घ तरंगे और विकिरण पृथ्वी से उत्सर्जित के कितने माइक्रोन के बीच के अंतर्गत माइक्रोन तरंग दर्द और विद्युत चुंबकीय का विकिरण है, बताना है कि दीर्घ तरंग और विकिरण पृथ्वी को उत्सर्जित कितने माइक्रोन के बीच तरंग दर्द और विद्युत चुंबकीय विकिरण है, बताना है। ऑप्शन नंबर एक 3.0 से 50 माइक्रोन तक, या 3.0 से 100 माइक्रोन तक, या ऑप्शन नंबर तीन कहता है 2.0 से 100 माइक्रोन तक, ऑप्शन नंबर चार दिया गया है कि 4.0 से 200 माइक्रोन, बताना है कितने समय तक, बताना है कितने समय तक दीर्घ तरंगों का विकिरण उत्सर्जित में कितने माइक्रोन के बीच तरंग दर विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पाँच का, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3.0 से 100 माइक्रोन तक, 3.0 से 100 माइक्रोन तक। ऑप्शन नंबर दो, आगे चलते हैं। 6 नंबर देखते हैं कि किसी द्रव्यमान या पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण क्या कहलाता है, किसी द्रव्यमान या पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण कहलाता है, चालन कहलाता है, संवहन कहलाता है, या बिखरना कहलाता है, या विकिरण कहलाता है, बताया जाए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। बताना है कि किसी द्रव्यमान या पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण क्या कहलाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, सही आंसर हो जाएगा संवहन, संवहन सही आंसर हो जाएगा 6 का, सही है संवहन। चलिए आगे देखते हैं। सात नंबर सवाल कहता है कि एक समान त्वरण के ग्राफ कैसी होती है, बताना है। सीधी रेखा होती है, उल्टी रेखा होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ऊपर से नीचे की रेखा होती है, बताना है कौन कैसी रेखा होती है। एक समान त्वरण के ग्राफ ग्राफ की रेखा कैसी होती है, एक समान त्वरण रहेगा उसका ग्राफ कैसा रहेगा, बताया जाए कैसा रहेगा, सीधा रहेगा, उल्टी रहेगा, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा रहेगा, ऊपर से नीचे की ओर रहेगा, बताया जाए सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 7 का सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर 1, 7 का सही आंसर हो जाएगा 1। आगे देखते हैं कि
कि किसी निकाय के प्रवणशीलता और निमज्जन का एक दूसरे के रूप में किससे निर्भर करता है। बताना है कि किसी निकाय के प्रवणशीलता एवं निमज्जन एक दूसरे को किस प्रकार निर्भर करता है। बताना है ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है सापेक्ष घनत्व, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है सापेक्ष द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है सापेक्ष चाल पर या सापेक्ष समय पर। बताया जाए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। बताया जाए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा सापेक्ष घनत्व पर। सापेक्ष घनत्व ऑप्शन नंबर 1 सापेक्ष घनत्व पर। आगे देखते हैं, आगे 9 नंबर कहता है कि ठोसों एवं धातुओं को उच्च प्रतस्थता के कारण ही धातु की चाल चाल धातुओं में होती है। बताना है कि ठोस धातुओं के उच्च प्रतस्थता के कारण ही ध्वनि की चाल धातुओं में होती है। 9 का सही उत्तर बताया जाए कौन सा हो जाएगा। 9 का सही उत्तर बताया जाए कौन सा हो जाएगा। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा अधिक, अधिक हो जाएगा 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, 10 नंबर सवाल कहता है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है माध्यम, एक तरफ दिया गया है ध्वनि चाल, तो इस पर करना है कौन सा सही होगा। बताया जाए कौन सा सही होगा। कूट को देखकर आप बताया जाए कौन सा सही आंसर होगा। सही होगा 10 का सही आंसर बताया जाए कौन सा होगा। 10 का सही कौन सा होगा बताया जाए। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए लोहा है तो लोहा के हो जाएगा 1481 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा लोहा हो जाएगा 1481 मीटर प्रति सेकेंड। 1481 हो जाता है लोहा में। और दूसरा दिया गया है बी का चार पानी पे, माफ करना गलत मिला दिए। देखिए ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब ए का तीसरा पानी का जो है पानी में ध्वनि का चाल होता है 1481 मीटर प्रति सेकेंड। और दूसरा दिया गया है लोहा, लोहा में दिया गया है लोहा में कितना होगा, तो 4 हो जाएगा 1950 मीटर प्रति सेकेंड। और हीलियम में देखा जाए तो हीलियम में 2 हो जाएगा 965 मीटर प्रति सेकेंड। और फिर इथेनॉल में हो जाएगा 1260 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है कि किस विद्वान ने कहा था कि आर्यों का संबंध सपत्य सिंधु का प्रदेश में से था। किस विद्वान ने कहा था कि आर्यों का संबंध सप्त सिंधु प्रदेश से था। बताया जाए दयानंद सरस्वती, अविनाश चंद्र दास या गंगानाथ झा या प्रोफ फिंका। बताया जाए कौन सा सही उत्तर होगा। 5 सेकेंड का समय दिया जाता है। 11 के बताना है किस विद्वान ने कहा था कि आर्यों का संबंध सप्त सिंधु प्रदेश में था। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। 11 का सही उत्तर हो जाएगा अविनाश चंद्र दास ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की शाखा किस वर्ष बॉम्बे स्थापित हुई थी। बताना है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा किस वर्ष स्थापित बॉम्बे हुई थी। बताना है 1868 में हुई थी, 1869 में, 1870 में, 1872 में। बताया जाए कब कौन सा होगा सही आंसर। 12 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो 1869 में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा किस वर्ष बम्बई में स्थापित हुई थी, तो 1869 में। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में किसे 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया
एसोसिएशन की स्थापना की थी? बताया जाए कि निम्नलिखित में किसने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? बताया जाए महात्मा गांधी, ऑप्शन में दिया गया महात्मा गांधी एवं रविन्द्र टैगोर, दादा भाई नौरोजी एवं हुम ने। बताया जाए 13 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बताया जाए 13 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने कहे थे कि 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 14 नंबर, 14 नंबर सवाल देखते हैं कि 14 नंबर सवाल कहता है, 14 नंबर सवाल कहता है किसने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा? किसने कहा था कि इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन है? सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी या एनी बेसेंट या भीमा चंद्र बनर्जी? बताया जाए किसने कहा था, किसने कहा गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं को मिलन है? तो सही उत्तर हो जाएगा, 14 का सही उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने कही थी कि मतलब कि इसने इरविन समझौता को गांधी दो महात्माओं को मिलन कहा। आगे देखते हैं 15 नंबर, 15 नंबर सवाल कहता है, 15 नंबर सवाल कहता है कि 15 नंबर सवाल कहता है किसने गांधी जी को दांडी यात्रा मार्च, तुलना में नेपोलियन एल्बा को पेरिस की मार्च को राजनीतिक समाप्ति हेतु मुसोलिनी का रोमांच से की थी? बताया जाए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। बताया जाए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? 15 का सही उत्तर बताया जाए कौन सा होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे, सुभाष चंद्र बोस। किस गांधी जी की यात्रा या डांडी यात्रा को मार्च की तुलना में नेपोलियन की एल्बा की से पेरिस की मार्च तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्त हेतु मुसोलिनी की रोम मार्च से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर, 16 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप से धारण कर चुकी थी? निम्नलिखित में किस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप से धारण कर चुकी थी? ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल या ये भी दोनों या प्रारंभिक वैदिक काल? 16 का सही उत्तर बताया जाए, 16 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 16 का सही उत्तर बताया जाए कि कौन सा काल में हुई थी? तो सही आंसर हो गया उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं 17 नंबर कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 73 थी, 74 थी, 71 थी या 72 थी? बताया जाए कौन सा सही होगा? 17 का सही उत्तर हो जाएगा 72 थी, सही आंसर हो जाएगा 72, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कांग्रेस ने पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 72 थी। आगे चलते हैं नंबर, निम्नलिखित में किसने जमानत खान मस्जिद का निर्माण 1325 ईस्वी में करवाया था? बताया जाए किसने करवाया था, खिलजी खान ने या खुसरो खान ने या गयासुद्दीन तुगलक ने या उलुग खान ने? उलुग खान ने। बताया जाए 18 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 18 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? खिलजी खान, खुसरो खां या गयासुद्दीन तुगलक या उलुग खां? तो सही आंसर हो जाएगा खिरज खां, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का, 18 का एक हो जाएगा खिरज खां। चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर, 19 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डल्फिन ने की थी या लॉर्ड डर्फिन ने की, अब्दुल कलाम आजाद ने की, आगा खान ने या सर सैयद अहमद खान ने? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताया जाए 19 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 19 का सही आंसर बताया जाए कौन सा होगा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, सर सैयद अहमद खान ने। चलिए आगे देखते हैं, बताना है कि नेपोलियन का जन्म 1779
69 में भूमध्य सागर के किस द्वीप पर हुआ था? नेपोलियन का जन्म 1769 में हुआ था, उस भूमध्य सागर के किस द्वीप पर हुआ था? बताना है करफू द्वीप या सेंट हेलेना द्वीप या बेलियरिक द्वीप या कोर्सिका द्वीप। बताया जाए कौन सा सही होगा, 20 का आंसर कौन सा होगा? 20 का बताया जाए, 20 का सही आंसर हो जाएगा कोर्सिका द्वीप। कोर्सिका द्वीप पर हुई थी, कोर्सिका द्वीप। ऑप्शन नंबर 4, नेपोलियन को किस द्वीप पर हुई थी? तो कोर्सिका द्वीप पर हुई थी। आगे देखते हैं कि भूषण किस काल के कवि थे? बताना है कि भूषण किस काल के कवि थे? बताना है कि भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के या आदि काल के या भक्ति काल के या आधुनिक काल के? बताया जाए किस काल के भूषण किस काल के कवि थे? तो सही आंसर हो जाएगा रीति काल के, रीति काल का भूषण थे, भूषण थे जो रीति काल के कवि थे, रीति काल के कवि थे भूषण। ऑप्शन नंबर 1, 14, 24 का। 25 नंबर सवाल कहता है, 25 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस किस कवि ने अष्टयाम लिखा? बताना है कि किस कवि ने अष्टयाम लिखा? देव ने या केशव दास ने या चिंतामणि ने या घनानंद ने? बताया जाए 25 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। 25 का सही उत्तर हो जाएगा देव ने लिखी थी अष्टयाम, लिखा था देव ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, देव ने। चलिए आगे चलते हैं 26 नंबर की, शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। शुद्धवर्तनी का चयन करना है प्रति प्रतीक्षा या प्रतीक्षा या प्रतीक्षाया या प्रतीक्षाया। बताना है कौन सा सही होगा। सही आंसर 26 का कौन सा सही होगा? तो वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्रतीक्षा सही ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शुद्धवर्ती में प्रतीक्षाया ऐसे लिखा था। चलिए आगे देखते हैं, रजनी का पर्यायक मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताना है कौन सा, रजनी का कौन शब्द नहीं है? बताना है कौन सा हो जाएगा, निशा हो जाएगा, तपी होगा, रात होगा या वासर होगा? 27 का सही उत्तर बताया जाए कौन सा हो जाएगा। 27 का सही आंसर हो जाएगा वासर, वासर। आगे देखते हैं कि सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प के चुनना है बहुभाषी के, जो जो सामा ना कर सके उसे बहुभाषी कहते हैं, या जिसे बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो, या जिनका जन्म पहले हुआ हो जो बूढ़ा ना हो। बहुभाषी का मतलब क्या है? बताया जाए 28 का सही उत्तर, बहुभाषी का अर्थ क्या है? बताया जाए कौन सा सही आंसर होगा। तो बहुभाषी का सही आंसर होगा जिसे बहुत भाषाओं को ज्ञान हो, जिसे बहुत भाषाओं का ज्ञान हो। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल कहता है, रा का व्यूपार्थिक शब्द बताएं। यश होगा या अनुदार होगा या द्वेष होगा या सबल होगा? बताया जाए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा रा का व्यूपार्थिक शब्द। इसको हटा देते हैं। बताना है कि रा का व्यूपार्थिक शब्द बताएं कौन सा सही होगा। रा का व्यूपार्थिक शब्द बताएं, अपस्य होगा, अनुदार होगा या द्वेष होगा या सबल होगा? 29 का सही आंसर हो जाएगा द्वेष, द्वेष सही आंसर हो जाएगा द्वेष। आगे चलते हैं कि दिए गए वाक्यों को खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो कम बोलता हो, मृदुभाषी या मृतभाषी या सुभाषी या अपव्ययी। बताया जाए कौन सा सही होगा, सही आंसर कौन सा होगा। 30 का सही आंसर कौन सा होगा बताया जाए? तो मृतभाषी, मृतभाषी जो है जो कम बोलता हो मृतभाषी कहलाता है।
आगे चलते हैं, देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। बताना है कि न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, एसिटियल कोलिन या एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनोफ्रिन या कोर्टिसोन या टायरोसिन। बताना है 31 का, 31 का निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। 31 का तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा, क्रोटिसोन या टायरोसिन। टायरोसिन। चलिए आगे देखते हैं, 32, 32 का देखते हैं। इस नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज को निकालने वाली तंत्रिकाओं को बांधना होता है। बताना है ऑप्शन नंबर परिधीय तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज को निकालने वाली तंत्रिका तंत्र का बना होता है। कौन सा, 32 का बताना है, 32 का कौन सा सही हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे देखते हैं कि चेचक बताना है किससे होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है या कवक से होता है। चेचक, याद रखना है कि चेचक किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है, चेचक विषाणु के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, 34 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ से जो रोग हुआ है, ये ऑप्शन में दिया गया वो बताना है, मलेरिया, सोने की बीमारी या कालाजार या उपयुक्त में से सभी। 34 के बताया जाए कौन सा सही होगा, उपयुक्त में से सभी। मलेरिया प्रोटोजोआ से ही जनित रोग है, सोने की बीमारी भी है और कालाजार भी। चलिए आगे देखते हैं, इसीलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 35 के बताया जाए, 35 का, रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन किसका, जिसका उत्पादन यकृत द्वारा किया जाता है। बताना है कि रक्त थक्का जमने वाला प्रोटीन जिसका उत्पादन यकृत द्वारा किया जाता है, वो प्रोटीन लाइकेजेन है या प्रोटीन ग्लाइकेन है या फाइब्रिनोजेन है या हिप्रिन है। बताया जाए 35 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन जिसका उत्पादन यकृत द्वारा किया जाता है, वो फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 कि 36 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य मनुष्य अवशेषी अंग का उदाहरण है। बताना है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य है जो अवशेषी अंग का उदाहरण है, जबड़े का तंत्र या अपेंडिक्स या रदनक दंत या दंत। बताया जाए 36 का कौन सा आंसर होगा। 36 का सही आंसर होगा अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है वो मनुष्य के अवशेषी अंग का उदाहरण है। आगे चलते हैं, देखते हैं 37 नंबर सवाल कि लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र बताना है। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताना है, C6H12O6 होता है, C3H6O3 होता है या C2H5O11 होता है। बताया जाए लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र होगा C3H6O3 होता है, ये ग्लूकोज का होता है, C6H12O6। चलिए आगे देखते हैं, जीवित सरल ऊतक जो पौधे के में लचीलापन का समर्थन और दृढ़ता प्रदान करता है, स्क्लेरेंकाइमा या कोलेनकाइमा या पेरेनकाइमा। बताया जाए कौन सा 38 का सही होगा, 38 का कौन सा सही हो जाएगा। बताया जाए स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्क्लेरेंकाइमा हो जाएगा, जीवित सरल पौधे का लचीलापन समर्थक दृढ़ता प्रदान करता है, स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर, 39 नंबर सवाल कहता है, 39 नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पौधे को वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। बताना है वाहिनिकाएं या पेरिसाइकिल या अंतविष्ट विभोजतक ऊतक या पार्श्व विभोजक ऊतक। बताना है 39 का सही आंसर कौन सा होता है, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक,
ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पसर्व विभाजी ऊतक, ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पौधे तने एवं जड़ की चौड़ाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो पसर्व विभाजी ऊतक, ऊतक। चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर सवाल कहता है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या किसके बराबर है? किसी तत्व के परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉनों की संख्या या प्रोटोनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या न्यूट्रिन की संख्या? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा प्रोटोनों की संख्या। प्रोटोनों की संख्या किसी तत्व के परमाणु संख्या की बराबर होती है, प्रोटोनों की संख्या। चलिए आगे देखते हैं। 41 नंबर सवाल, 41 नंबर सवाल कहता है, 41 नंबर सवाल कहता है, क्या कहता है 41 नंबर? 41 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसके किसके योग बराबर होता है? बताना है 41 का सही उत्तर है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान किसके किसके योग के बराबर होता है? न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, या इनमें से कोई नहीं? बताया जाए कौन सा सही आंसर होगा 41 का। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है परमाणु द्रव्यमान किसके योग के बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। आगे चलते हैं, देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर सवाल कहता है कि बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? तो स्थलीय बहुलक, या ग्लूकोज बहुलक, या लेक्सन बहुलक, या नापालान बहुलक? बताया जाए बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर बताया जाए कौन सा हो जाएगा 42 का सही आंसर हो जाएगा लेक्सन बहुलक। लेक्सन बहुलक जो है, लेक्सन बहुलक को बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, लेक्सन बहुलक का। चलिए आगे चलते हैं। 43 नंबर देखते हैं कि समांतर अधातु ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, या उभयधर्मी होते हैं, या उदासीन होते हैं? अधातु ऑक्साइड होते हैं, अधातु ऑक्साइड होते हैं, बताना है 43 का कौन सा सही हो जाएगा अम्लीय। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा अम्लीय। आगे देखते हैं 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल कहता है कि टेन है जिसका परमाणु संख्या 6 है, वह है? बताना है एक धातु है या एक अधातु है या एक उपधातु? बताना है तत्व एक है ना, कोई जिसका जिसका परमाणु संख्या एक, कोई भी तत्व एक है जिसका परमाणु संख्या 6 है, मानो परमाणु क्रमांक संख्या 6 है, तो उसका वो एक धातु होगा या अधातु होगा या उपधातु होगा? बताया जाए 44 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह एक अधातु होगा, यह एक अधातु होगा। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर सवाल कहता है, 45 की धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए निम्न में से किसे तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो बताना है सेंट्रीफ्यूगेशन, या सेपरेटिंग फलन, या आसवन, या आंशिक आसवन? बताना है 45 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 45 का सही आंसर हो जाएगा सेपरेटिंग फलन। यस, सेपरेटिंग फलन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। धातु के शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो सेपरेटिंग फलन, फनल को। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे कि एक घोल में अगर 400 ग्राम पानी है, 100 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता बताइए। 46 का सही आंसर बताया जाए कौन सा होगा? 46 का सही आंसर हो जाएगा 20%। चलिए आगे देखते हैं। 47 नंबर सवाल कहता है, 47 नंबर कि वर्मी कल्चर निम्न में से किससे संबंधित है? बताना है सेट लगाइए सेट, कि वर्मी कल्चर निम्न में से किससे संबंधित है? मधुमक्खी, क्रीमी वार्म, या रेशम के कीड़े, या मछली? बताना है वार्मिक कल्चर निम्न में से किससे संबंधित है? मधुमक्खी से, कृमि से, या रेशम के कीड़े से, या मछली से? बताना है 47 का सही आंसर हो जाएगा कृमि वार्म से। वार्मिक कल्चर जो है संबंधित है कृमि वार्म से। चलिए आगे चलते हैं, 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन जैव उर्वरक का उदाहरण है? बताना है कि जैव उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? वर्मिक कंपोस्ट है, यूरिया है, या अमोनिया सल्फेट है, इनमें से सभी है? 48 का बताना है कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक का उदाहरण है? तो इनमें से सभी होगा,
कौन सा सही होगा? तो वर्मी कंपोस्ट होगा। वर्मी ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, वर्मी कंपोस्ट जैव उर्वरक का उदाहरण है, वर्मी कंपोस्ट क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 48 का एक सही होगा। आइए देखते हैं 49 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों को संबंधित शब्द का चयन करें, जैसे वनस्पति विज्ञान पौधे से है, तो ऐसे पक्षी विज्ञान किससे होगा? कीड़े से होगा, सांप से होगा, पक्षी से होगा या पौधे से होगा? बताना है जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान पौधे से रिलेटेड है, वैसे पक्षी विज्ञान किससे रिलेटेड होगा? बताया जाए 49 का सही आंसर बताया जाए कौन। पक्षी विज्ञान पक्षी से होगा, ऑप्शन नंबर 3 49 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि बावन नंबर सवाल कहता है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बताना है। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बताया जाए कौन सा होगा, वाइस एस जगमोहन रेड्डी या एम के स्टालिन या डी के शिव कुमार या पिनरई विजयन विजयन बताया जाए विजयन पिनरई विजयन या कौन सा होगा वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन से होंगे? 52 का सही आंसर हो जाएगा, 52 का वाइस जगमोहन रेड्डी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा 1, वाइस ए जगमोहन रेड्डी। आगे चलते हैं, देखते हैं 53 नंबर सवाल कहता है कि वाईएसआर यंत्र सेवा योजना है ना, वाईएसआर यंत्र योजना सेवा योजना जो किसानों के लिए किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? बताना कि वाईएसआर सेवा योजना किस किसानों के लिए किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? बिहार के राज्य सरकार द्वारा है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो बताना है कि 53 का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सरकार किसानों के लिए चलाया गया एक यंत्र सेवा योजना है जो वाईएसआर है, वाईएसआर है। आगे चलते हैं 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर सवाल कहता है किस राज्य ने ग्रामीण आबादी के लिए फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट नामक योजना लाई है? बताना है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या मध्य प्रदेश? बताना है कौन सा सही होगा। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किस राज्य के ग्रामीण आबादी के लिए फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट नामक योजना लाई गई है? तो वो आंध्र प्रदेश राज्य में लाई गई है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल 54 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं 55 नंबर सवाल कहता है कि बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से कब जीविका योजना शुरू की गई है? बताना है कि बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए विश्व बैंक की सहायता को कब जीविक योजना को शुरू किया गया है? 2006 में, 2005 में या 2007 में या 2010 में? 55 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 2007 में की गई है। बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से कब तक जीविका योजना शुरू किया गया है? तो 2007 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर सवाल कहता है कि बिहार सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा मिशन परिवर्तन नामक पहल की शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय या ग्रामीण मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? 56 का बताया जाए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 56 का सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। आप लोग देखिए कि कितना सेट में सही हो रहा है। आगे चलते हैं
57 नंबर, 57 नंबर सवाल कहता है कि हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। हर घर गंगा जल योजना, तो बताना है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या बिहार, पश्चिम बंगाल। कौन हर घर गंगा जल योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है हर घर गंगा जल योजना। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है या हो गई है? आइए देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर सवाल कहता है बिहार सरकार द्वारा किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए फिश ऑन व्हील्स योजना का शुरू की गई है? बताना है एड्स रोग, टीबी रोग या हेपेटाइटिस रोग या मलेरिया रोग। बताना है कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर टीबी होगा। टीबी से बिहार सरकार द्वारा किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए फिश ऑन व्हील्स योजना शुरू की गई है? तो टीबी रोग द्वारा फिश ऑन व्हील्स योजना की शुरू की गई है। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर दो राइट हो गया। 59 के देखते हैं कि IESSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस में किया गया? भारत में, अजरबैजान में, आर्मेनिया में या ईरान में? बताया जा 59 का कौन सा सही होगा। 59 का सही हो जाएगा अजरबैजान में। ISS शूटिंग का वर्ल्ड कप 2023 का योजना शुरू की गई, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 60 नंबर सवाल कहता है कि सरबोत सिंह का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है, तीरंदाजी से है, टेनिस से है, निशानबाजी से है? सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, तीरंदाजी, टेनिस या निशानबाजी? 60 का बताया जाए, 60 का सही आंसर कौन सा होगा? तो निशानबाजी से है। सरबजोत सिंह जो है किसे हैं, किस खेल से है? तो निशानबाजी से संबंधित है, निशानबाजी से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं कि IESSF का शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 भारत किस स्थान पर रहा? बताना है कि ISS शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पर रहा, द्वितीय स्थान पर, तृतीय या चतुर्थ पर? बताना है कैवा स्थान पर, भारत का स्थान द्वितीय था, भारत का स्थान द्वितीय था। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? अब्दुल हामिद या सर्जियो मेट्रेला या अब्देल फतह अल सीसी या जोको विडोडो? बताया जाए कौन सा सही होगा? तो अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कुल आंतरिक परिवर्तन या अपवर्तन या परिवर्तन पर? बताया जाए 63 का सही आंसर कौन सा होगा? कुल आंतरिक परिवर्तन पर, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। आइए समानता फाइबर किस पदार्थ का बना होता है? बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर किस पदार्थ का बना होता है? ग्लास, प्लास्टिक या लोहा या ये भी दोनों? अगर कहा जाए कि ऑप्टिकल फाइबर किस पदार्थ का बना होता है, ग्लास, प्लास्टिक, लोहा, ये भी दोनों? बताया जाए 64 का सही आंसर कौन सा होगा? 64 का सही आंसर हो जाएगा ये भी दोनों, ग्लास और प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक का ऑप्टिकल फाइबर बना होता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार। आइए 65 नंबर देखते हैं कि यूरेनियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैडम क्यूरी द्वारा, मार्टी हेनरी के क्लैपरोथ द्वारा, हर्ट द्वारा या रदरफोर्ड द्वारा? 65 के बताया जाए, 65 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम की खोज मार्टिना है कैपलप्रोथ ने की थी, मार्टिना हेनरी क्लैपरोथ ने की थी। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, यूरेनियम की खोज। आइए देखते हैं 66 नंबर सवाल कहता है कि किस संस्था द्वारा कैंसर पैदा करने वाला ट्यूमर लगाने के लिए
कम्युनिकेशन टूल का जीबी ड्राइव विकसित किया गया है। आईआईटी मुंबई, आईआईटी पटना, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बेंगलुरु, बताया जाए किस संस्था द्वारा कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबी ड्राइव जीबीएम ड्राइवर विकसित किया गया है, बताया जाए कौन सा किया है। 66 का सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है, जीबी ड्राइव कर विकसित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि कृत्रिम हृदय किस भारतीय संस्था द्वारा हाल ही में तैयार किया गया है। कृत्रिम हृदय को किस भारतीय संस्था द्वारा हाल ही में तैयार किया गया है, तो बताना है। 67 के सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, 68 नंबर सवाल कहता है कि दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा पॉकेट पॉकेट प्रेडलर डिवाइस का विकास किया गया है। आईआईटी पटना, आईआईटी रुड़की, आईआईटी रोपड़, बताया जाए कौन सा सही होगा। दूध मिलावट के लिए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मद्रास, ऑप्शन नंबर मद्रास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 69 नंबर सवाल कहता है कि वैश्विक मीडिया तकनीकी कंपनी याहू किस देश की कंपनी है। याहू के बताना है कि देश की कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि अमेरिका। क्या याहू किस देश की कंपनी है, तो अमेरिका का। वैश्विक मीडिया तकनीकी कंपनी याहू किस देश के है, तो अमेरिका के। चलिए आगे चलते हैं, 70 नंबर सवाल देखते हैं कि AI संचालित चैट बर्ड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो बताना है। 70 का कौन सा सही हो जाएगा, 70 का गूगल, गूगल द्वारा AI संचालित चैट बर्ड बर्ड की किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया, गूगल द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, 71 नंबर सवाल, 71 नंबर सवाल कहता है, 71 नंबर सवाल कहता है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम मापक सेल NMC 2170 का अनावरण किस कंपनी द्वारा किया गया है। 71 के बताना है ओला इलेक्ट्रॉनिक, ओला इलेक्ट्रॉनिक सही आंसर हो जाएगा। ओला इलेक्ट्रॉनिक द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम मापन सेल NMC 2170 का अनावरण किस कंपनी द्वारा किया गया है, तो ओला इलेक्ट्रिक। चलिए देखते हैं, 72 नंबर, 72 नंबर सवाल कहता है कि सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय द्वारा हत्या केस के चैट GPT का उपयोग का फैसला सुनाया गया है, बताया जाए। 72 का सही आंसर हो जाएगा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा हत्या का केस ChatGPT का उपयोग कर फैसला सुनाया गया था, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ओलंपिक ज्वाला की शुरुआत कब से की गई, ओलंपिक ज्वाला की शुरुआत कब से की गई है, 73 का सही आंसर हो जाएगा 1928 से की गई है, 1928 से की गई है। आगे देखते हैं, 74 नंबर, 74 नंबर सवाल कहता है कि आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाती है, बुंडोरे विल्सन या पेरे डी कोबार्टिन को या अस्पिरिडोन शर्मस को या हार्बर्ट उबर को, बताया जाए। 64 का सही उत्तर हो जाएगा पेरे डी कोबार्टिन को आधुनिक ओलंपिक की शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। आइए देखते हैं, 75 नंबर, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 1894 में, 1890 में, 1896 में या 19 में, आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरुआत हुई, 75 का बताना है। 75 का सही आंसर हो जाएगा 1896 में, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई थी। आगे देखते हैं, 76 नंबर सवाल कहता है कि उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, गीता मुखर्जी, लीला सेठ, प्रतिमा बीबी, आना चंडी, 76 का सही आंसर बताया जाए, तो 76 का सही आंसर हो जाएगा फतिमा बीबी, फतिमा बीबी थे जो उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। आगे चलते हैं, देखते हैं कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया, 1998 में, 1990 में,
2001 में या 2003 में, तो बिल्कुल राइट कौन सा हो जाएगा 77 का, 2001 में। 2001 में इनको लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, 78 नंबर सवाल कहता है उस्ताद बिस्मिल्ला खां का संबंध किस क्षेत्र से, बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां का संबंध किस से है, तबला वादक से, शहनाई वादक से, या पखवाज वादक से, बताना है कि संतूर वादक से। 78 का सही आंसर हो जाएगा शहनाई वादक से, बिस्मिल्ला खां थे जो शहनाई वादक से संबंधित है। आगे चलते हैं 79 नंबर की, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम की शुरुआत किस वैश्विक कंपनी द्वारा की गई थी, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक, गूगल या इन्फोसिस। 79 का सही आंसर हो जाएगा गूगल द्वारा किया गया है, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम की शुरुआत वैश्विक कंपनी द्वारा की गई है, गूगल द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कि लैरी पेज द्वारा मुगल की स्थापना कब की गई थी, बताना है कि लैरी पेज द्वारा मुगल की गूगल मुगल नहीं सॉरी सॉरी गूगल गूगल मुगल कहा गया, गूगल की स्थापना की गई थी, गूगल की स्थापना लैरी पेज द्वारा गूगल की स्थापना कब की गई, 1995 में, 1998 में, 2000 में या 2002 में। 80 का सही उत्तर हो जाएगा 1998 में लैरी पेज द्वारा गूगल की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं 81 नंबर सवाल आपको उत्तर देना है कौन सा होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC की स्थापना कब हुई थी, बताना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC की स्थापना कब हुई थी, आपको देना है कितना होगा आंसर इसका, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC की स्थापना कब हुई थी, बताना है 1995 में, 1998 में, 2000 में या 2002 में। 81 का उत्तर आप लोग दीजिए कब हुई थी। 82 नंबर देखते हैं, 82 नंबर सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का कौन शामिल नहीं होते हैं, बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कौन शामिल नहीं होते हैं, तो 82 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री जो होते हैं वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं होते हैं। इसका ऊपर वाला का आंसर हो जाएगा 1998 में, 1998 में सुरक्षा परिषद NSC की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं, 82 नंबर के शिक्षा मंत्री हो गया आते हैं कि 83 नंबर सवाल कहता है कि लोयस किसकी क्रिया द्वारा निर्मित गाधायुक्त मिट्टी है, बताया जाए गुरुत्वाकर्षण, हवा या हिमनद, पानी। 83 का सही आंसर हो जाएगा हवा, हवा द्वारा लोयस की प्रक्रिया द्वारा निर्मित गाधायुक्त मिट्टी है, तो हवा द्वारा। चलिए आगे देखते हैं 84 नंबर सवाल कहता है पृथ्वी के भूपृष्ठ पर लगभग कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों का विस्तार है, 50%, 60% या 75% या 90%। सही आंसर हो जाएगा 50% अवसादी चट्टानों का विस्तार है भूभाग पर। आइए देखते हैं 85 नंबर सवाल कि एशिया को अफ्रीका से अलग करता है स्वेज नगर या भूमध्य सागर, बताना है कि एशिया को अफ्रीका से, यूरोप से नहीं, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर और स्वेज नहर, ये दोनों एशिया और अफ्रीका को अलग करता है एक दूसरे को, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए देखते हैं 86 नंबर सवाल कहता है कि वैश्विक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या एशिया का निवासी करती है, वैश्विक जनसंख्या मंत्रालय कह रहा है कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास किया के बताना है महादेश में, तो 30%, 40%, 50% या 60% बताया जाए कौन सा सही होगा। 86 का 50%, 50% एशिया में विश्व का जनसंख्या का अलावा कितना प्रतिशत एशिया में, एशिया में 50% है, तो अब 6 महादेश अब बच गया, समझ लो कितना होगा। सतासी नंबर देखते हैं, 87 नंबर सवाल कहता है, 87 नंबर सवाल,
87 नंबर के आप लोग का जवाब देना है कमेंट में कि कौन सा होगा इसका उत्तर। सुमेरियन सभ्यता का विकास किस महाद्वीप में हुआ है? यूरोप में हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, या एशिया में हुआ, या उत्तरी अमेरिका में? बताना है कि सुमेरियन सभ्यता का विकास किस महाद्वीप में हुआ है। 87 का उत्तर आप लोग दीजिए कमेंट में, कौन सा सही होगा? सुमेरियन सभ्यता का विकास किस महाद्वीप में हुआ है? सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। कौन सा उत्तर होगा बताया जाए, कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो एशिया, एशिया में हुआ था। सुपेरियन सभ्यता का विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो एशिया में हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 88 नंबर सवाल, 88 नंबर सवाल कहता है कि धुआरे ज्वालामुखी किस चरण से में निकलती है? किस चरण में निकलती है? प्रारंभिक में, मध्य में, अंतिम में, या कभी नहीं? धुआरे ज्वालामुखी किस चरण में निकलती है? बताना है। 88 का सही आंसर हो जाएगा, 88 का अंतिम में निकलती है। धुआरे ज्वालामुखी किस चरण में निकलती है? तो अंतिम में निकलती है, अंतिम में निकलती है। याद रखना है कि धुआरे ज्वालामुखी किस चरण में निकलती है? तो अंतिम चरण में निकलती है, ऑप्शन नंबर 3। आइए 89 नंबर देखते हैं कि कटमई ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? कटमई ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? इटली में, अलास्का में, या जापान में, या फिलीपींस में? बताना है 89 की कटमई ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? इटली, अलास्का, जापान, फिलीपींस? 89 का सही उत्तर हो जाएगा, अलास्का में कटमई ज्वालामुखी अवस्थित है। 89 का सही उत्तर हो जाएगा अलास्का, 2 नंबर। आगे देखते हैं कि भूपट्टी, भूपट्टी पर सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाई जाने वाला धातु कौन सी है? ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना जरूरी रहेगा कि भूपट्टी पर सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑक्सीजन, सिलिकन, और एल्युमिनियम, या लोहा? ये कंफ्यूज करने वाली सवाल होती है, जब भी पूछा जाता है सेट में गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसीलिए इसे याद करेंगे। भूपट्टी पर सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्युमिनियम। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि 91। 91 का सही आंसर होगा कौन सा बताया जाए, 91 का सही कौन सा आंसर होगा? निम्न में कौन सी पर्यावरण क्षति और बहुद्देशीय परियोजना का कारण है? बहुद्देशीय परियोजना का कारण बताना है कौन सा होगा? जल जनित रोग और कीट, या पानी के अत्यधिक रोग से प्रदूषण, या भूकंप? तो बताना था कि पर्यावरण क्षति बहुद्देशीय परियोजना का कारण है, जल जनित रोग और कीट ये भी सही है, और पानी के अत्यधिक प्रयोग की प्रदूषण ये भी, और भूकंप भी। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, 91 का सही उत्तर। आगे देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर सवाल कहता है, 92 नंबर सवाल, बानवे नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? 92 नंबर का बताना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखना जरूरी रहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। समुद्रीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गर्म सागर है, सही है। समुद्रीय उष्णकटिबंधीय और गर्म और नम प्राय अस्थिर है, सही है। महाद्वीपों उष्णकटिबंधीय मध्य या निचले सांसों को शुष्क रेगिस्तानों के क्षेत्र में उत्पन्न है, सही है। महाद्वीप ध्रुव और ध्रुवीय क्षेत्रों में नम महासागर है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जगह महाद्वीप ध्रुवीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में नम महासागर, ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं 93 नंबर सवाल। 93 नंबर सवाल कहता है कि गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी बताना है, रामगंगा, यमुना नदी, गंडक नदी, या महानंदा नदी? 93 का सही उत्तर कौन सा होगा? 93 का सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी, गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी दिल्ली यमुना नदी पर अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं कि 94 नंबर, 94 नंबर कहता है सवाल कि भारत तथा नेपाल के मध्य सीमा पर निर्माण करती है, मध्य सीमा पर निर्माण करती है गंगा नदी, गोदावरी नदी, या काली नदी? भारत तथा नेपाल के मध्य सीमा पर निर्माण, भारत तथा
मध्य सीमा पर निर्माण करती है, गंगा नदी, गोदावरी नदी या काली नदी या कृष्णा नदी? बताया जाए 94 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? काली नदी जो है भारत तथा नेपाल की मध्य सीमा पर निर्माण करती है। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर कि मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई बढ़ाना है। मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर, लगभग 1,000 मतलब 10,000 किलोमीटर, लगभग 8,000 किलोमीटर, लगभग 16,000 किलोमीटर। मध्य अटलांटिक कटक लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताया जाए तो 14,000 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14,000 किलोमीटर। मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई 14,000 किलोमीटर है। आगे देखते हैं 96 नंबर सवाल कहता है कि प्रिंस एडवर्ड कटक तथा सुकोत्रा कटक किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या हिंद महासागर में? बताना है कौन सा सही होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। आगे देखते हैं कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35, 18, 30 या 25? राज्यसभा के चुनाव के लिए बताया जाए कितने न्यूनतम आयु कितने चाहिए। 97 का सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। आगे चलते हैं और थोड़ा फास्ट करते हैं कि 98 नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति चुनाव विवाद को वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में बताया जाए? कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों का चुनाव मतलब होगा किस अनुच्छेद में? 98 का सही उत्तर बताया जाए, 98 का सही अनुच्छेद हो जाएगा 71 में, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा 71 में। आगे देखते हैं, आगे है पॉलिटिक्स है कि संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी, इसका उपयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के मध्य से करेगा, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताना है कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ कार्यपालिका के शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी, यह इसका उपयोग वह स्वयं अपने अधिकारी के मध्य से करेगा, यह अनुच्छेद कितना में है? 53 में है, सॉरी 13 नहीं, 53 में। और राष्ट्रपति होगा 52 में है, इसका शक्ति 53 में है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार विधान के कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधान के कुल सीटों की संख्या कितनी है बताया जाए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 243। बिहार विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 243, ऑप्शन नंबर दो। आगे चलते हैं कि राज्यसभा में बिहार के लिए कितनी सीटें आवंटित किया गया? 15, 16, 17 या 18? बताना राज्यसभा में बिहार के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई है? तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा 16। 16 बिहार के लिए राज्यसभा में सीटें दी गई है। आगे चलते हैं 102 नंबर। 102 नंबर कहता है कि भारत संविधान के नेपालिका के तंत्र कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से? नेपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है? 102 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है नेपालिका की स्वतंत्रता। चलिए ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। 103 नंबर देखते हैं कि विधि शासन संविधान के किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम? बताना है 103 का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। विधि का शासन संविधान किस देश से लिया गया? विधि का शासन यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, इंग्लैंड से। चलिए आगे चलते हैं 104 नंबर देखते हैं। 104 नंबर कहता है कि भारत के संविधान भाग 10 में वर्णन है चुनाव आयोग मौलिक कर्तव्य नागरिकता या सूची और जनजातीय क्षेत्र? बताया जाए
104 में दिया गया कौन सा सही होगा? तानुसूची जनजाति क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर सवाल कहता है कि भारत संविधान के किस अनुसूची में राज्यों को केंद्र और मध्य शक्ति को बंटवारा किया गया है? बताना है। 105 का सही उत्तर हो जाएगा अनुसूची 7 में दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में, तो अनुसूची 7 में राज्यों तथा केंद्र के मध्य शक्तियों को बंटवारा किया गया है। 106 नंबर कहता है कि अंडो निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? मद्रास, कलकत्ता, केरल, पटना उच्च न्यायालय। बताया जाए अंडो निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडो निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, तो उसका जो न्यायालय है वो किसके अधीन आता है? केरल का उच्च न्यायालय का, पटना का उच्च न्यायालय। बताया जाए 106 नंबर का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता के अधीन आता है, कलकत्ता के अधीन आता है। चलिए आगे चलते हैं 107 नंबर, देखते हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय में का एक से अधिक राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश सहित पर अधिकार क्षेत्र है? केंद्र शासित प्रदेश सहित तो बताना है कि भारत में उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र बताना है कितना होगा। 107 का सही आंसर हो जाएगा 7, बिल्कुल राइट होगा 7 नंबर। 108 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में कौन सा अधिकार शामिल है? बताना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 8 का बताया जाए कौन सा सही आंसर होगा, तो 8 का सही आंसर होगा वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखते हैं कि संविधान भाग 3 में बताया जाए वर्णन है नागरिकता मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या संघ, फंडामेंटल राइट अधिकार, मौलिक अधिकार है भाग 3 में। 109 का सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं 110 नंबर सवाल। 110 नंबर सवाल कहता है कि समानता का अधिकार के अंतर्गत किस अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद हैं समानता के? बताना है समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? बताया जाए 2 आते हैं, 3 आते हैं, 5 आते हैं, या 4 आते हैं? समानता का अधिकार बताना है। 110 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 5। 111 नंबर देखते हैं, 111 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? बताना है शोषण के विरुद्ध, तो शोषण के विरुद्ध बताना है कौन सा सही आंसर होगा। 111 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 23 से 24, शोषण के विरुद्ध का वर्णन है। आइए देखते हैं कि 112 नंबर कहता है प्राण एवं दयिता का स्वतंत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया? प्राण एवं दयिता का स्वतंत्र, दयिता का स्वतंत्र बताया जाए कौन में है? 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 21 में, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन संविधान किस अनुच्छेद में है? तो 21 में है। आप अपने आप को मार नहीं सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 113 नंबर। 113 नंबर सवाल कहता है, 113 नंबर सवाल कहता है कि देश देश की पहली औद्योगिकी नीति घोषणा कब की गई? 1956 में, 1948 में, 1991 में, 1992 में? बताया जाए देश की पहली औद्योगिक नीति कब की गई? 113 का सही उत्तर हो जाएगा 1948 में की गई थी, बिल्कुल राइट, 1948 में की गई थी देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा।
114 नंबर सवाल देखते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समयवादी अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या बंद अर्थव्यवस्था है? बताया जाए, 114 का सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की अर्थव्यवस्था। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 115 का देखते हैं कि पक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताना है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, या निगम कर, या सेवा कर। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताना है कौन सा होगा, तो निगम कर। निगम कर है जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। एक सौ 16 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण नहीं है। कानूनी प्रवर्तक, राष्ट्रीय रक्षा, या निजी कुआं, या कानूनी व्यवस्था। बताया जाए, निजी कुआं या राष्ट्रीय सुरक्षा कौन सा है? 116 का सही उत्तर हो जाएगा निजी कुआं। निजी कुआं है जो सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण नहीं है, कानूनी प्रवर्तक है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी, कानूनी व्यवस्था भी सरकारी है, निजी कुआं नहीं है। आइए आगे देखते हैं, 117 117 नंबर सवाल कहता है कि मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा किया जाता है, जारी किया जाता है। बताना है, 117 का सही आंसर होगा यूएनडीपी द्वारा सूचकांक यह संस्था द्वारा जारी की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, मानव विकास सूचकांक बताना है आगे कि हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक भारत को प्राप्त हुआ है, कैवा स्थान प्राप्त हुआ है। बताना है कैवा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 132वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब की गई थी, 55 में, 90 में, या 95 में, 2000 में। बताया जाए, 119 का सही आंसर हो जाएगा 1990 में मानव विकास सूचकांक की शुरुआत की गई थी 1990 में। आगे देखते हैं कि 120 नंबर सवाल कहता है, 120 नंबर कि मानव विकास सूचकांक HDI को किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने, अभिजीत बनर्जी ने, एडम स्मिथ ने, इनमें से कोई नहीं। 120 का सही आंसर हो जाएगा महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। आगे देखते हैं, 121 नंबर 121 नंबर कहता है कि भारत में न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण कौन करता है? नाबार्ड करता है, वित्त आयोग करता है, कृषि लागत मूल्य आयोग करता है, या कृषि मंत्रालय करता है? 121 का सही आंसर होगा कृषि लागत मूल्य आयोग करता है भारत के न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारण। आगे देखते हैं, 132 नंबर सवाल कहता है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा कितने फसलों के लिए किया जाता है? 20 फसल, या 22 फसल, या 23 फसल, या 25 फसल। बताया जाए, 22 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 23, 23 फसल। कृषि लागत का मुख्य आयोग तो कितने फसलों के लिए MSP जारी करता है? तो 23 फसल के लिए। चलिए आगे देखते हैं, 123 नंबर 123 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन योजना लागत व्यय का अंतर्गत आता है? बताना है कौन आता है योजना 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 नागद के व्यय के अंतर्गत आता है? बिजली उत्पादन, सड़कें, या सिंचाई, ग्रामीण विकास, या उपयुक्त में से सभी। बताया जाए कौन सा सही होगा, तो उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा कि बिजली उत्पादन भी आता है योजनागत से व्यय के अंतर्गत, और सड़कें भी, और सिंचाई और ग्रामीण विकास भी। चलिए आगे देखते हैं, 124 नंबर सवाल 124 नंबर सवाल कहता है क्या कहता है कि निम्न में कौन गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? बताना है ब्याज है,
या रक्षा व्यय उत्पादन है या सब्सिडी है? बताना है 124 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बिजली उत्पादन है जो गैर योजनागत व्यय के रूप में अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जीके और जीएस को देखते हैं। 131 नंबर कहता है कि ध्वनि तरंगे माध्यम संचरण नहीं कर सकती है। मतलब ध्वनि तरंगे जो है वो संचरण संचरण बने वहाँ पर काम नहीं कर सकती है, या ठोस में, निर्वात में, द्रव में या गैस में। बताना है कौन सा सही आंसर हो जाएगा। 131 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? निर्वात में। निर्वात जहाँ हवा नहीं रहेगा वहाँ पर ध्वनि तरंगों को नहीं चल सकता है। चलिए आगे देखते हैं, 32 नंबर, 132 नंबर सवाल कहता है कि आर्यों का मूल निवास किसने तिब्बत बताया था? तिब्बत बताया था, बताया जाए 132 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास की तिब्बत बताया था। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने कहा कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कि राजा जनता के लिए बना है, राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए बनी नहीं बनी है। बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, दादा नौरंजी भाई, बताइए कौन सा होगा। 133 का सही आंसर रहेगा, दादा भाई नौरंजी ने कहे थे। 134 नंबर सवाल देखते हैं कि दादा भाई नौरंजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बताया जाए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बार, 3 बार दादा भाई नौरंजी ने कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष, तो 3 बार। आइए आगे देखते हैं, 135 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? बताया जाए छोटा डेट के साथ में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 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 कब शुरू किया गया था? बताया जाए 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930 में अप्रैल सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन कब 1930 में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 136 नंबर सवाल देखते हैं, 136 नंबर कहता है किसने डांडी मार्च की तुलना में नेपोलियन के अलवा से पेरिस की मार्च से की है? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह है, या इनमें से कोई नहीं। 36 के बताया जाए सही आंसर कौन हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था डांडी मार्च की तुलना में नेपोलियन अलवा पेरिस की मार्च से की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने की है। इसका आप ऑनलाइन सेट मारना चाहते हैं तो आप मार सकते हैं, और यहाँ सबमिट करने के लिए देता है, जो सबमिट करके आप यहाँ पर देख नाम पूछेगा और यहाँ पर कुछ देते हैं तो इस पर फिल कर लीजिएगा। इसमें सभी को मारना रहता है, आप सभी पर क्लिक करिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा वीडियो ख़त्म होने के बाद, वहाँ से आप मार सकते हैं।